बिहार में महागठबंधन के नेता अब आपस में ही उलझने लगे हैं। खासकर आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है। आरजेडी के नेता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आने वाले दिनों में ही अगले साल ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर विवाद पैदा कर दिया। जगदानंद ने कहा कि अगले साल यानी 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया है। कुशवाहा ने लिखा है कि जगदा बाबू का बयान उस पिता के एक्शन की तरह है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटा लेना चाहता है। गौरतलब है कि जगदानंद सिंह ने गुरुवार को कहा था कि नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार ऐसा लग रहा है कि 2022 बीतने के बाद 2023 में देश की लड़ाई नीतीश कुमार लड़ने जाएंगे। नीतीश कुमार बिहार के भविष्य की लड़ाई तेजस्वी यादव के हाथों सौंप देंगे। तुम लोग तो जो हमारे मीडिया के बंधु हैं वो तो कभी होली मनवा देते हैं, कभी दीपावली मना देते हैं, वो तो कुछ महीने की बात करते हैं। आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया, तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है कोई।